हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पुलबैक इंडिकेटर्स। अगर आप ऑप्शंस बाइंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्टॉक को अंडरएस्टिमेट बिल्कुल मत करना। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप स्टॉक्स पर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करेंगे, ऑप्शंस बाइंग कैसे करेंगे विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आई हैव क्रिएटेड दिस स्ट्रेटजी वेयर बिगिनर्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर योर लूजिंग ट्रेड्स विल गेट कन्वर्टेड टू विनिंग ट्रेड्स। चलो चार्ट्स पे जाते हैं एंड स्ट्रेटजी एंड इंडिकेटर को अप्लाई करके देख लेते हैं। सो लेट्स गो टू माय स्क्रीन। सो वन बाय वन आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं बताना चाहूंगा विद द सेम इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजी आप बैंक निफ्टी, निफ्टी, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो पर भी ट्रेड ले पाएंगे। जब आप पुलबैक इंडिकेटर्स को सब्सक्राइब करते हैं, आपको चार अलग अलग इंडिकेटर मिलता है। द फर्स्ट वन इज पुलबैक इंडिकेटर, द सेकेंड वन इज पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर, द थर्ड वन इज पुलबैक मोमेंटम इंडिकेटर एंड द फोर्थ इंडिकेटर इज पुलबैक रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर। ये चारों इंडिकेटर एक ही इंडिकेटर पर मर्ज्ड है। इंडिकेटर के साथ आपको मिलता है एक स्टॉक स्क्रीनर। इस इंडिकेटर एंड स्टॉक स्क्रीनर को आप अपने लैपटॉप एंड मोबाइल पर भी चला पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब के होम पेज पर जाइए। हमारे जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है ऑन बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स, 30 मिनट्स इंट्राडे स्ट्रेटजी, 2:30 पीएम ऑप्शन स्ट्रेटजी, आपको सारे स्ट्रेटजीज के वीडियो लिंक मिल जाएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इनिशियल लेवल पर आप सिर्फ पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर एंड पुलबैक मोमेंटम इंडिकेटर को ही खाली चार्ट पर अप्लाई कीजिए। एंड कभी भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम दो, एटलीस्ट कोई भी दो इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करके रखिए, सो दैट आपको ट्रेड लेने के पहले एक डबल कंफर्मेशन मिले फ्रॉम बोथ द इंडिकेटर, तो आपके जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो काफी अच्छा हो जाएगा, फॉल्स सिग्नल्स भी कम हो जाएंगे। शुरू करते हैं डिफॉल्ट इंडिकेटर पुलबैक के साथ। जब आप पुलबैक इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, सीपीआर बैंड, बाय एंड सेल सिग्नल, उसके साथ साथ दो मूविंग एवरेज की लाइंस है। वन इज द ब्लू मूविंग एवरेज लाइन एंड द सेकेंड वन इज येलो मूविंग एवरेज लाइन। ये सब चार्ट पर ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। स्टॉक्स पर ट्रेड करने के लिए द बेस्ट टाइम फ्रेम इज 3 मिनट एंड कैंडलस्टिक पैटर्न विल बी रेगुलर कैंडलस्टिक्स। चलो ग्रेट, अब स्ट्रेटजी पर चलते हैं। अगर सीपीआर बैंड वाइड है तो कलर लाइट हो जाएगा, दैट मींस मार्केट आज साइडवेज रह सकता है। एंड अगर सीपीआर बैंड नैरो है तो कलर डार्क हो जाएगा, दैट मींस मार्केट आज ट्रेंडिंग हो सकता है। ट्रेंडिंग कैन बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। तो डिफॉल्ट इंडिकेटर के साथ आप कौन कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड ले सकते हैं? आप कोई भी स्टॉक्स पर ट्रेड ले सकते हैं, निफ्टी 50 के अंदर या निफ्टी 50 के बाहर, कोई भी स्टॉक्स। बट कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को डिफॉल्ट इंडिकेटर में बैकटेस्ट करना है, उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक पर आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड कैसे लेंगे? सबसे पहले देखना है सीपीआर बैंड वाइड है या नैरो है। तो करेंटली टूडे सीपीआर बैंड इज वाइड। जब सीपीआर बैंड वाइड होगा तब हम क्या करेंगे, वी विल ओनली सेल इन रेजिस्टेंस जोन एंड वी विल बाय ओनली इन सपोर्ट जोन। एंड जब सीपीआर बैंड नैरो होगा देन वी कैन बाय एंड सेल ऑन बोथ सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस। आज फर्स्ट कैंडल पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ है 9:15 की कैंडल पर। क्योंकि आज सीपीआर बैंड वाइड है तो आपको केवल रेजिस्टेंस जोन में सेल करना है एंड सपोर्ट जोन पर बाई करना है। तो सेल सिग्नल को इग्नोर कीजिए, फिर यहां पर एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। जब भी बाय सिग्नल जनरेट होता है आपको फॉलो करना है सिग्नल कैंडल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होना चाहिए। जब भी हम स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, फॉरेक्स, क्रिप्टो पर ट्रेड करेंगे तो हमें ब्लू मूविंग एवरेज लाइन को फॉलो करना है। जिन लोगों को कमोडिटीज पर ट्रेड लेना है वो बाय सेल सिग्नल के साथ येलो मूविंग एवरेज लाइन को फॉलो करेंगे। अगर सिग्नल कैंडल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है या ब्लू मूविंग एवरेज लाइन को टच कर रहा है तो आप इग्नोर करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं ऑन दिस कैंडल बाय सिग्नल जनरेट हुआ है एंड सिग्नल कैंडल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहां पर होगा? स्टॉप लॉस होगा लास्ट स्विंग लो, जहां से मार्केट रिवर्सल हुआ है, सो दिस विल बी द स्टॉप लॉस।
एंड टारगेट होगा दिस इज द फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, जैसे जैसे आपके टारगेट्स अचीव होते जाएंगे आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो टुडे आज कुछ खास हुआ नहीं है, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट गया है। कल की चार्ट को देख लेते हैं, सीपीआर बैंड नैरो है एंड सिग्नल कैंडल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के अंदर है। जब भी सेल सिग्नल मिलता है तो सिग्नल कैंडल हमेशा ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के नीचे होना चाहिए। बाय सिग्नल पर ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर एंड सेल सिग्नल पर ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के नीचे। सेल साइड पर सिग्नल कैंडल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री नहीं लेंगे, आपको वेट करना है नेक्स्ट 3 या 4 कैंडल्स के लिए। तो यू कैन एंटर ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ दिस कैंडल 1051 की जो कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर आप एंट्री ले सकते हैं। जिनको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है वो ऑप्शंस पर ट्रेड ले, जिनको फ्यूचर सेल करना है वो फ्यूचर सेल कर सकते हैं, जिनको इक्विटीज में ट्रेड लेना है वो इक्विटीज पर ट्रेड लेंगे। अगर आप ऑप्शंस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप कैसे एंट्री लेंगे, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है 951, तो 951 की नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा 950, आपको 950 की पुट बाय करना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा लास्ट स्विंग हाई, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कब बाय और सेल सिग्नल आ रहा है, तो यहां पर जो स्क्रीनर है इस स्क्रीनर पर बाय डिफॉल्ट 35 स्टॉक लिस्ट इंक्लूडेड है जिसमें बैंक निफ्टी है, क्रूड ऑयल है। तो आप यहां पर जिन स्टॉक्स पर ट्रेड लेना चाहते हैं, लेट्स से आप बैंक निफ्टी पर भी ट्रेड लेना चाहते हो, आप कुछ स्टॉक्स पर भी ट्रेड लेना चाहते हो, तो खाली वही स्क्रिप्ट्स आप यहां पे इंक्लूड कीजिए, बाकी आप रिमूव कर लीजिए। लेट्स से आपको क्रूड ऑयल पर ट्रेड नहीं लेना है, आपको यहां पर आईटीसी पर ट्रेड लेना है, तो आप एडिट करके आप आईटीसी टाइप कीजिए एंड देखिए ये रिप्लेस हो जाएगा। एंड जिन सेगमेंट्स पर आपको ट्रेड नहीं लेना है उसको अनटिक कीजिए एंड ओके। तो जैसे ही आपको बाय या सेल सिग्नल मिलता है ऑटोमेटिकली यहां पर जो स्क्रीनर है आपको बाय सेल डिस्प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको 2 फ्री अलर्ट मिलता है, आप अलर्ट भी सेट कर सकते हो। कैसे, ऑन द टॉप साइड यहां पर देखिए अलर्ट ऑप्शन है, क्लिक ऑन अलर्ट, ऑन द कंडीशंस आप पुलबैक इंडिकेटर्स को सिलेक्ट कीजिए, यहां पर आपको पुलबैक रखना है एंड ट्रिगर विल बी वंस पर बार क्लोज एंड क्रिएट। तो जैसे ही बाय या सेल सिग्नल आता है ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑन एक्सिस बैंक, आपको ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन या पॉपअप आपके मोबाइल एंड लैपटॉप पर मिल जाएगा। यहां से आप अलर्ट को मैनेज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो फ्रॉम दिस ऑप्शन। तो ऑन दिस ट्रेड यहां पर आपका एंट्री हुआ, जैसे ही फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है जो आपका स्टॉप लॉस है उसको अभी आपको ट्रेल करना है, आप इमीडिएटली अपनी स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर शिफ्ट कीजिए। फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद जैसे ही आपका सेकंड टारगेट अचीव हो जाता है तो आप अपनी एसएल को फर्स्ट टारगेट पर लेके आइए, जैसे ही आपका थर्ड टारगेट अचीव हो जाता है आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए ऑन सेकंड, जैसे ही फोर्थ टारगेट अचीव होता है आप अपनी स्टॉप लॉस को सेकंड टारगेट से थर्ड टारगेट पर शिफ्ट कीजिए। तो जैसे जैसे आपके टारगेट्स अचीव होते जाएंगे यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप एग्जिट हो जाओगे ट्रेड से विथ मैक्सिमम प्रॉफिट। वन मोर थिंग, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाहर अगर आपको बाय या सेल सिग्नल मिलता है देन यू हैव टू इग्नोर, आप ट्रेड नहीं लेंगे। थोड़ा और बैक टेस्ट कर लेते हैं, यहां पर सीपीआर बैंड नैरो है तो आप सेल कर सकते हैं रेजिस्टेंस पर, बाय भी कर सकते हैं। सेल सिग्नल जनरेट हुआ बट सिग्नल कैंडल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन को टच कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है बट यहां पर हमारा एंट्री नहीं है। अगर सिग्नल कैंडल या एंट्री कैंडल या कैंडल की विक्स सीपीआर बैंड को टच कर रहा है तो आप इग्नोर करेंगे। आफ्टर दैट बाय सिग्नल जनरेट हुआ है ऑन दिस कैंडल 12:09 की कैंडल पर, आप एंट्री ले सकते हैं क्योंकि सिग्नल कैंडल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है एंड स्टॉप लॉस विल बी लास्ट स्विंग लो एंड यहां पर एक छोटा सा टारगेट अचीव हुआ है। सेल सिग्नल मिला है बट सिग्नल कैंडल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन को टच कर रहा है तो आप नेक्स्ट कैंडल या थर्ड या फोर्थ कैंडल पर भी एंट्री ले सकते हो। बट यहां पर देखिए जो एंट्री कैंडल है ये काफी छोटे हैं, अगर एंट्री कैंडल
डॉजी कैंडल है या काफ़ी छोटा कैंडल है या ऐसा टाइप का कैंडल है जहाँ पे विक्स काफ़ी लंबा है या डॉजी कैंडल है, कैंडल पर आप एंट्री नहीं लेंगे, आप ट्रेड को छोड़ देंगे। आफ्टर दैट अगेन अ बाय सिग्नल इज जनरेटेड ऑन दिस कैंडल एंड सिग्नल कैंडल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, तो CPR बैंड नैरो है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हियर एंड अ स्मॉल टारगेट अचीव्ड। सो दिस इज हाउ वी ट्रेड। तो पुलबैक पर ट्रेड लेने के पहले हमेशा काइंडली स्टॉक्स को बैक टेस्ट कीजिए, जिन स्टॉक्स पर अच्छी परफॉर्मेंस मिल रहा है केवल उन्हीं स्टॉक्स पर ट्रेड लीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर सेकेंड इंडिकेटर विच इज पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर। पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर पर आप 5 मिनट्स एंड 3 मिनट दोनों टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हैं। पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर पर बेसिकली डिमांड सप्लाई एंड ट्रायंगल पैटर्न पर ट्रेड लेते हैं। प्राइस एक्शन इंडिकेटर बेसिकली क्या करता है, डिमांड सप्लाई एंड ट्रायंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ऑटोमेटिकली चार्ट पर प्लॉट कर देता है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे ही प्राइस डिमांड जोन को छूने के बाद ऊपर के तरफ जाता है बिना ब्रेक किए एंड विथ 3 to 4 ग्रीन कैंडल्स, एंड ये जो ट्रेंड लाइन कैंडल्स के साथ जा रहा है ये भी ब्लू होना चाहिए एंड इट शुड फेस अपवर्ड्स, तो आप यहाँ पर एंट्री लेंगे एंड आपका जो स्टॉप लॉस होगा बिलो दी डिमांड जोन, एंड आपका टारगेट होगा जब आपको दिखे कि एक रिवर्सल आ रहा है विथ 3 एटलीस्ट रेड कैंडल्स, ट्रेंड लाइन भी रेड है एंड नीचे के तरफ है, आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने डिमांड जोन को छुआ, छूने के बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। 3 ग्रीन कैंडल्स भी हैं, ट्रेंड लाइन भी ब्लू है, तो आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, स्टॉक्स बाई कर सकते हैं, फ्यूचर्स बाई कर सकते हैं एंड आपका स्टॉप लॉस होगा डिमांड जोन के थोड़ा सा नीचे। तो जब भी स्टॉप लॉस को सेट करें उसमें थोड़ा सा बफर पॉइंट्स भी ऐड कीजिए। व्हाट इज बफर पॉइंट्स? बफर पॉइंट्स इज एक्चुअली एडिंग सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू योर स्टॉप लॉस, तो कई बार आपके बफर पॉइंट स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से बच जाएगा। नाउ अभी लेट्स से अगर ये डिमांड जोन ब्रेक होता है तो क्या होगा? अगर प्राइस डिमांड जोन को ब्रेक करता है तो एक नया डिमांड जोन क्रिएट होगा, तब आपको वेट करना है कि कब प्राइस दोबारा इस डिमांड जोन तक आए एंड अगेन यहां से अपसाइड रिवर्सल जब होता है तो आप एंट्री लेंगे एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। बट सिनेरियो ऐसा होना चाहिए कि डिमांड जोन को छू कर जाना चाहिए, ब्रेक करके नहीं। देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन द डिमांड जोन एंड द प्राइस। नाउ अभी आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टॉक कब डिमांड जोन को छू रहा है? वेरी इजी, यहां पर जो डिमांड जोन है उसका राइट हैंड साइड में क्लिक कीजिए एड अलर्ट एंड क्रिएट, तो देखिए एक अलर्ट का सिंबल भी क्रिएट हो जाएगा। नाउ ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ द टाइम अगर प्राइस जैसे डिमांड जोन को टच करेगा आपको ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन पॉपअप आपके मोबाइल एंड लैपटॉप पर आ जाएगा, और अगर आपको इस अलर्ट को कैंसिल करना है राइट क्लिक कीजिए रिमूव एंड इट विल गेट रिमूव्ड। सिमिलरली यहाँ पर देखिए जब प्राइस सप्लाई जोन को छूता है, छूने के बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा है विथ 3 रेड कैंडल्स एंड ट्रेंड लाइन भी रेड है एंड द ट्रेंड लाइन इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, तो आप यहां पर पुट बाई कर सकते हैं, फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं, स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं एंड आपका स्टॉप लॉस होगा अबव द सप्लाई जोन। एंड जैसे ही आपको दिखे कि एक रिवर्सल हो रहा है विद ग्रीन कैंडल, ट्रेंड लाइन भी ब्लू है, तब आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो क्या होगा? अगेन अ न्यू सप्लाई जोन विल बी क्रिएटेड, तब आपको वेट करना है कि कब प्राइस दोबारा इस सप्लाई जोन तक जाए बिना ब्रेक किए। अगेन प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है तो यू कैन अगेन री एंटर, बट आपको ध्यान रखना है कि सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं करना है, इट शुड बी लाइक दिस। इस चार्ट पर मैं आपको एक और सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, प्राइस डिमांड जोन या सप्लाई जोन के आसपास आके एक रिवर्सल देता है, अपसाइड या डाउनसाइड रिवर्सल, विदाउट टचिंग द डिमांड एंड सप्लाई जोन, तो आप इस लेवल पर भी ट्रेड ले सकते हैं, बट आपको एज पर मार्केट देख के ट्रेड लेना होगा। एंड अगर आप एक न्यू कमर है तो काइंडली डिमांड एंड सप्लाई पर फोकस कीजिए, ट्रायंगल पैटर्न को अवॉइड कीजिए। टू अंडरस्टैंड प्रॉपर ट्रायंगल ब्रेकआउट इट विल टेक सम टाइम।
Now let's go to our third indicator, which is pullback momentum indicator. यहाँ पर जो आपको triangle line extend दिख रहा है, this is a tool. This is not an indicator. Triangle line extend एक tool है, एक indicator नहीं है. तो kindly यहाँ पर आप tick mark मत कीजिए, नहीं तो आपके जो chart है वो काफी slow हो जाएगा. Triangle line extend tool जब हमें requirement होता है तब इस tool को use करते हैं. कैसे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा. पुलबैक मोमेंटम इंडिकेटर को आप जैसे ही चार्ट पर अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाई सेल सिग्नल के साथ आपको बेयरिश एंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पर डिस्प्ले हो जाएगा. पुलबैक मोमेंटम को आप 3 मिनट्स एंड 5 मिनट दोनों टाइम फ्रेम पर आप यूज कर पाएंगे, बट 3 मिनट टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम. कई बार जब आप पुलबैक मोमेंटम को चार्ट पर अप्लाई करेंगे तो बहुत बार चार्ट कुछ इस तरह से आ सकता है. आपको राइट हैंड साइड में आप विद द हेल्प ऑफ योर माउस आप चार्ट को एक्सपैंड कर सकते हैं फॉर अ क्लीन लुक. नीचे से भी एक्सपैंड कर सकते हैं एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड इन ऑर्डर टू गिव यू अ क्लीन लुक. स्ट्रेटेजी क्या है? वेरी सिंपल है. जब भी आपको सेल सिग्नल मिलता है तो सिग्नल कैंडल हमेशा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए. एंड जब भी आपको बाई सिग्नल जनरेट होता है पुलबैक मोमेंटम पर तो सिग्नल कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होना चाहिए. तो अगर सेल सिग्नल जनरेट होता है तो इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर आप एंट्री लेंगे. आप पुट बाई कर सकते हैं, एट द मनी पुट. आप फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं, स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं एंड आपका स्टॉप लॉस होगा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंड द फर्स्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक विल बी योर फर्स्ट टारगेट. यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर सेल सिग्नल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रहा है या बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है या सेल सिग्नल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है या बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के काफी नीचे, देन यू विल अवॉइड ट्रेडिंग. सिमिलरली जब बाई सिग्नल जनरेट होता है, अगर सिग्नल कैंडल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है या बेयरिश एंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बीच में है या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के काफी ऊपर है, तब आप ट्रेड नहीं लेंगे. ऐसे सिचुएशन पर आप ट्रेड नहीं लेंगे. आपको वेट करना है, या तो यह बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होने के बाद अगर प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है तब आप एंट्री ले सकते हैं. यहां पर अगेन सिमिलर सिनेरियो, सेल सिग्नल है एंड सिग्नल कैंडल भी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है, तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर आप एंट्री ले सकते हैं एंड यू कैन सी आफ्टर दैट देयर वाज अ शार्प फॉल. इस सेटअप पर जब भी आप ट्रेड लें आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस है वो 0.5% या उससे थोड़ा ज्यादा होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. लेट से अगर आप 1000 रुपीज का स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए 6 रुपीज, नॉट मोर देन दैट. अगर स्टॉप लॉस ज्यादा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, नंबर वन. नंबर टू, अगर आपको सेल सिग्नल मिलता है बट ऑन दिस टाइप ऑफ कैंडल और ऑन दिस टाइप ऑफ कैंडल या जहां पर विक्स काफी लंबा है, डोजी कैंडल्स हैं या काफी छोटे छोटे कैंडल हैं, आप इग्नोर कर सकते हो. जैसे हिंदाल्को पे देखिए, बाय सिग्नल मिला है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है बट स्टॉप लॉस काफी ज्यादा है. आपका एंट्री क्या है? 451, स्टॉप लॉस 456. तो जहां पर आपको बड़ा स्टॉप लॉस दिखे यू कैन इग्नोर. प्रीवियस डे की चार्ट देखिए ऑन सन फार्मा, सेल सिग्नल बट सिग्नल कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है. जब भी सेल सिग्नल मिलता है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए. दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ बाय सिग्नल. सिग्नल कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है एंड विच इज एज पर आर सेटअप. अदानी पोर्ट्स की चार्ट को एनालाइज करते हैं. सेल सिग्नल मिला है बट ऑन विच टाइप ऑफ अ कैंडल? दिस कैंडल. तो आप एंट्री नहीं लेंगे. अगेन अ बाय सिग्नल जनरेट होता है बट बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है, then you will not enter. Previous day sell signal, perfect example, perfect entry and देखिए उसके बाद market कहां तक नीचे आ गया. Again a buy signal but signal candle bullish order block के काफी ऊपर है, तो stop loss काफी ज्यादा है, ignore. Again a buy signal bearish order block को touch कर रहा है and signal candle के wicks भी काफी ज्यादा है, again you have to ignore. तो ऐसी setup पर आप ट्रेड नहीं लेंगे. नाउ कमिंग टू आवर लास्ट इंडिकेटर विच इज पुलबैक रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर. जैसे आप पुलबैक रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करेंगे आपको ऑटोमेटिकली बुलिश रेंज ब्रेकआउट एंड बेयरिश रेंज ब्रेकआउट के सिग्नल्स चार्ट पर डिस्प्ले होगा. तो जैसे ही रेंज ब्रेकआउट का सिग्नल जनरेट होता है हमें वेरीफाई करना पड़ता है कि वेदर
दिस रेंज ब्रेकआउट इज अ जेन्युइन रेंज ब्रेकआउट और ए फॉल्स ब्रेकआउट। तो वो कैसे करते हैं, वन इज विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट के साथ आप कैसे रेंज ब्रेकआउट करेंगे, ये इसके लिए अलग वीडियो है जो कि हमारे पेड मेंबर्स को देते हैं। एंड उसके साथ साथ एक और टूल भी है, दैट इज ट्रायंगल लाइन एक्सटेंड टूल। इस टूल को तभी अप्लाई करना है जब हम रेंज ब्रेकआउट सिग्नल मिलता है एंड जब रेंज ब्रेकआउट को वेरीफाई करेंगे। तभी वेरीफाई करने के बाद इमीडिएटली इस टूल को ऑफ करेंगे। अगर इस टूल को अप्लाई करके रखेंगे तो आपके चार्ट जो है वो काफी स्लो हो जाएगा। ट्रायंगल एक्सटेंड लाइन तभी काम करेगा जब आप पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर एंड ट्रायंगल लाइन एक्सटेंड टूल ये दोनों सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर एक डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, ऑप्शन का टाइम आप छोड़ दीजिए, आप डेट्स पे जाइए। लेट्स से टुडे इज 22nd December। आप लास्ट 7 या 10 डेज तक आप पीछे जाके आप इस डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सो व्हाट इज ट्रायंगल एक्सटेंडेड लाइन, ट्रायंगल एक्सटेंडेड टूल इज नथिंग बट एन एक्सटेंडेड वर्शन ऑफ द ट्रायंगल। तो इस टूल को जैसे ही अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके का चार्ट आएगा। अभी आपको देखना है कि ये जो रेंज ब्रेकआउट है, रेंज ब्रेकआउट के जो सिग्नल कैंडल है ये एक्सटेंडेड ट्रायंगल लाइन के नीचे होना चाहिए अगर बेयरिश रेंज ब्रेकआउट है, और अगर बुलिश रेंज ब्रेकआउट है तो सिग्नल कैंडल इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। अगर रेंज ब्रेकआउट ट्रायंगल के अंदर में है तो नहीं लेंगे। तो यहां पर देखिए जो बेयरिश रेंज ब्रेकआउट है ये इस ट्रायंगल के अंदर है, तब आप ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद देखिए मार्केट दोबारा ऊपर चला गया। एंड जो बुलिश रेंज ब्रेकआउट है ये सिग्नल कैंडल बिल्कुल एक्सटेंडेड ट्रायंगल लाइन के ऊपर है, तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री ले सकते हैं एंड द स्टॉप लॉस विल बी बिलो द रेंज ब्रेकआउट कैंडल। फर्स्ट रेंज ब्रेकआउट यहां पर मिला है, बेयरिश रेंज ब्रेकआउट, बट ये एक्सटेंडेड ट्रायंगल लाइन के ऊपर है, छोड़ दीजिए। देखिए दोबारा यहां से बाउंस बैक हो गया। थर्ड रेंज ब्रेकआउट जो सिग्नल है ये एक्सटेंडेड ट्रायंगल लाइन के नीचे है, तो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं एंड यू कैन सी देयर वाज अ डाउनफॉल। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू यूज दिस टूल। एंड रिमेंबर जैसे ही आप इस टूल को कट एंड रिमेंबर जैसे ही आप वेरीफाई कर लेते हैं विद दिस टूल, इमीडिएटली ट्रायंगल लाइन एक्सटेंड को अनटिक कर दीजिए। तो बेसिकली दिस आर दी 4 इंडिकेटर्स। इसके साथ एक और स्ट्रेटजी है विच वी कॉल इज सुपर बाई एंड सुपर सेल। सुपर बाई एंड सुपर सेल इज बेसिकली अ स्ट्रेटजी जहां पर दो अलग अलग इंडिकेटर, पुलबैक मोमेंटम एंड पुलबैक रेंज ब्रेकआउट, ये दो इंडिकेटर सेम कैंडल पर अगर सेल सिग्नल देता है देन वी कॉल इट एज सुपर सेल। एंड जैसे ही सुपर सेल का सिग्नल मिलता है तो इमीडिएटली जो स्टॉक स्क्रीनर है यहां पर भी सुपर सेल डिस्प्ले होगा। तो सुपर सेल का कंसेप्ट टोटली अलग है। तो सुपर सेल के लिए मैंने अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो क्रिएट किया है, यू कैन वॉच दिस एंटायर स्ट्रेटेजी वीडियो। सुपर बाय सुपर सेल का कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहां पर एनटीपीसी का चार्ट है, इस कैंडल पर सुपर सेल मिला है बट अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। व्हाट इज द स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस काफी छोटा है, ऑलमोस्ट 1 रुपी के आसपास। उसके बाद देखिए अनदर सुपर सेल, फिर मार्केट कहां तक गया, अगेन सुपर बाई, एंड फिर देखिए प्राइस कहां तक गया है, अगेन सुपर बाई, सुपर सेल, फिर देखिए अ शार्प फॉल। तो सुपर बाई सुपर सेल भी काफी अच्छा स्ट्रेटेजी है। अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो कोई भी ट्रेड लेने के पहले स्ट्रेटेजी को पहले बैक टेस्ट करो, फिर पेपर ट्रेड करो कि काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद छोटी कैपिटल के साथ शुरू करो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बी डिसिप्लिन।